तो आज हम आपको अयोध्यापुरी के यानी कि प्रभु श्री राम की जन्मभूमि के एक ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल पर लेकर चलते हैं जहां के दर्शन शायद ही आपने पहले किए हों या जिसके बारे में शायद आप जानते ही हों पहले। तो ये मंदिर मैं आपको बता दूं, फिर से बनाया जा रहा है, फिर से इसे रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसी पद्धति द्वारा वही गुड़, उड़द की दाल, चूना, पिसे हुए पत्थर, गोंद और कुछ हमारे पुराने केमिकल, और इसमें पटाव के लिए यानी कि लिंटर डालने के लिए कोई सरिया है कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवदार की लकड़ी जो कि MP से मंगाई गई है। जी हाँ, तो चलिए अंदर अब हम दर्शन करते हैं प्रभु श्री राम के और दिखाते हैं अंदर का दृश्य, अंदर का नज़ारा कि प्रभु श्री राम के इस मंगल भवन का आंगन कैसा है और आसपास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर प्रभु श्री राम की लीलाओं का वर्णन है चित्रों के जरिए और यहाँ के जो साधु संत महंत रह चुके हैं इस मंदिर के, उनकी छवि विराजमान है और साथ ही साथ उनकी भी छवि विराजमान है जिन राजाओं ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग बनवाई। जी हाँ, समय समय पर। तो उन सारे राजाओं का इतिहास यहाँ पर छवि के द्वारा वर्णित है, लिखा हुआ है छवियों में। और ये हमारे प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ विराज रहे हैं अपने मंगल भवन में। कहा जाता है कि अगर आप इस मंदिर में आए सच्चे मन से और सच्ची भावना के साथ प्रभु श्री राम के सामने कुछ भी मांगते हैं तो वो इच्छा बहुत जल्द पूरी होती है, और इस इच्छा पूरी होने के बाद आपको फिर से, जब आपका मंगल हो जाता है तो आपको फिर से इस मंगल भवन में आना होता है और प्रभु के समक्ष आपके जो श्रद्धा बन पड़े, जो सेवा हो, भोग प्रसादी वस्त्र इत्यादि, जैसा भी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं, प्रभु को अर्पण कर सकते हैं, ऐसा इस मंगल भवन के बारे में कहा जाता है और इसी वजह से इसका नाम मंगल भवन है। तो देखिए, प्रभु श्री राम माँ जानकी के साथ भाई लक्ष्मण के साथ विराजमान है और अभी भोग आ चुका है, दोपहर का समय हो चुका है, तो पर्दे इस वजह से लग गए हैं और ये यहाँ भी कंस्ट्रक्शन की वजह से चीज़ें अस्त व्यस्त हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम।